तांडव बोलते हैं इसको शिवा का और शिवा तांडव तब करते हैं व्हेन शिवा इज उग्र उग्र समझते हो व्हेन इज एंग्री व्हाई इज शिवा एंग्री टुडे और मजे की बात यह कि हमें ऐसा लग रहा है दैट कोरोना इज द कल्प्रिट अगर मैं भी आप सबसे पूछूं फॉर अ मिनट थिंक अबाउट रियली थिंक अबाउट क्या चीज हमें तंग कर रही है इस समय सबसे ज्यादा वर्ट इज रियली डिस्टर्बिंग दिस मोमेंट इज इट द न्यूज फ्रॉम द आउटसाइड इज इट द करोना फ्रॉम द आउटसाइड इट इज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटसाइड या हमें खुद का फियर तंग कर रहा है जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल 2013, 2012 या 2013 में बहुत बड़ा अर्थक् आया हेती में वी वर्ड अबाउट दैट हेती इज इन अफ्रीका तकरीबन साढ़े तीन लाख लोग मरे ओवर नाइट नॉट इन फ्रंट ऑफ एस वी डेंट हैट फियर हैंस वी डेंट फील एनीथिंग इट वाज ओके फॉर अस इट डेंट डिस्टर्ब अस लोग तो तब भी मरे बट हमें डिस्टर्बेंस नहीं हुआ बिकॉज वो बहुत दूर थे और उससे हमें फियर जनरेट नहीं हुआ सो इट इज नॉट द आउटसाइड सिचुएशन दैट इज कॉजिंग अ लॉर्ड ऑफ ट्रबल इट इज़ आर ओन फियर इट आर ओन इनएबिलिटी टू डील विद इट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये जितना समाज में अभी पागलपन सा मचा हुआ है अफकोर्स द इज़ अ डिसीज ऑफकोर्स द इज सफरिंग आई एम नॉट डिनाइंग दैट Of course, some people are perishing. I am not denying that. But the the fear psychosis, the psychosis, hoarding और जिस तरह से हम उसको अलाउ कर रहे हैं अपने ऊपर हावी होने के लिए और जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम मैसेज है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस विच वी आर फॉरगेटिंग मोस्ट ऑफ अस किस चीज़ से लड़ रहे हैं हम लोग डेथ से वी वॉन्ट टू जस्ट अवॉइड इट हम तो सब अमर होना चाहते हैं मरना ही नहीं चाहते वट आर वी वट आर वी फियरिंग फ्रॉम क्यों इतना भय है मर जाने का जो होना ही है मतलब दैट्स द अल्टीमेट विच इज गोइंग टू हैपन वन डे और द अदर सो वाई सच एंगजाइटी वाई सच फियर वाई सच इन सिक्योरिटी थिंक अबाउट इट कहीं सत्संग में मैंने बोला कि बुद्ध की जब वेन बुद्धा वॉज इन बॉडी और अगर आपको बुद्ध के पास जाके संन्यास लेना होता था तो एक ही कंडीशन होती थी उनकी hmm? कि पहले तीन महीने जाके क्रेमेटोरियम में तीन महीने जब बैठ जाओ वहां पे जस्ट सी सी द रियलिटी ऑफ लाइफ सी द रियलिटी ऑफ your ओन सेल्फ और तीन महीने अगर तुम झेल गए वो द डांस ऑफ डेथ टू से फिर संन्यास की बात करेंगे रनिंग अवे फ्रॉम दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी विच इज प्रेजेंटेड हमें हमें शमशान जाके नहीं बैठना पड़ रहा तीन महीने बट हाँ हम देख रहे हैं अपने आस पास दिस होल प्रोसेस बट कभी हम आंखें मूंद रहे हैं कभी हम समहव पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं वी आर डूइंग सो मैनी अदर थिंग्स बट वी नॉट एक्सेप्टिंग दिस फाइनल रियालिटी हैंस द फियर जो होना ही है उससे इतना भय और जी के भी क्या कर लिया हमने <laughs> क्या कर लिया हाँ अभी जो मैं बार बार खबर पड़ रहा हूं ऑक्सीजन 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 ठीक है वो दिक्कत है परम जी से मेरी फोन पे बात हुई वो चाचा जी के लिए हम सब ने स्ट्रगल किया अमित माय ब्रदर एंड हिज सन वॉज ऑल्सो रनिंग अराउंड कि चलो ऑक्सीजन आ जाए कहीं से एचसेट्रा एचसेट्रा हाउ मेरे देखे बड़ा सिंबिक है ये दिस इज़ वेरी द क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी फाइनली ह्यूमैनिटी हम वहां पहुंच गए जहाँ हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं फाइनली शुड आई आई से एम ग्लैड अबाउट इट मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना बड़ा इनसेंसिटिव सा कमेंट लगता है बट इट्स अ रियलाइजेशन इट्स सिंबॉलिक जब से पैदा हुए हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और जब से हम पैदा हुए हम प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड डाले जा रहे हैं सांस के थ्रू और हजार अदर चीजों के थ्रू एक पेड़ नहीं लगाया हमने आज तक एक पेड़ नहीं लगाया हमने आज तक जहां से ऑक्सीजन मिल रही है तो सिंबॉलिक है आज उसी ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं मुझे लग रहा है प्रकृति पूछ रही है क्या किया तुमने वाई डू यू थिंक यू डिजर्व ऑक्सीजन आई थिंक दिस इज लाइक नेचर नॉकिंग ऑन ऑन आर हेड क्यों डिजर्व करते हो तुम ऑक्सीजन तुमने किया क्या इसके लिए पॉइंट टू बी नोटेड कि हम इस प्रकृति में क्या योगदान दे रहे हैं और इस आई आई एम रिपीटिंग अगेन कोरोना के बाद मतलब कोरोना इज अ डिसाइसिव मूवमेंट इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस जैसे वो डेट का होता है ना बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट कोरोना इज लाइक दैट इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस अगर ये सब देखते हुए भी अगर हम नहीं जागे तो फिर अनदर हेथी माइट बी वेटिंग फॉर अस तांडव बोलते हैं इसको शिवा का और शिवा तांडव तब करते हैं व्हेन शिवा इज उग्र उग्र समझते हो वैन इज एंग्री व्हाई इज शिवा एंग्री टुडे तो एक एक मीम दिखाया मुझे अभी शिवानी ने कल परसों बड़ा सुंदर सा मीम था कि एक एक फोटो था उसमें लिखा कि ह्यूमंस हैव रैप्ड द अर्थ इन प्लास्टिक नाउ नेचर इज गिविंग इट बैक टू द ह्यूमंस इट इज रैपिंग अस इन प्लास्टिक सो व्हाई द डांस ऑफ शिवा क्यों शिव तांडव कर रहे हैं इस समय उग्र हैं क्यों उग्र हैं हमारे कृत्यों से हमारे पागलपन से हमारी हमारी इनसिक्योरिटीज हमारी ग्रीड से जो हम सब करते जा रहे हैं शिवा इज एंग्री विद दैट एंड वेन एवर शिवा इज एंग्री द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर श्योर बट दैट डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन इज अ मैसेज कि दोस्तों जाग जाओ अब इस इवेंट के बाद अगर हमारा लाइफ अगर हमारे एम्बिशंस अगर हमारी डिजायर्स अगर हमारा कर्म योग उसी दिशा में चलता रहा जिस दिशा में आज तक चल रहा था तो बहुत दुर्भाग्य होगा ये इट बी अ सैड इट बी अ सैड फ्यूचर देन अगर इसके बाद भी हमें समझ नहीं आया कि गाड़ी का गियर चेंज करने का समय आ गया जिंदगी की दिशा चेंज करने का समय आ गया अपने इनसिक्योरिटीज को ड्रॉप करके जिंदगी को जीने का समय आ गया और ऑक्सीजन का समय आ गया प्रकृति के साथ मिलके प्रकृति के साथ एक होके जीने का समय आ गया